डियर स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू जीएम एकेडमी आज के वीडियो में हम लेवल वन की क्वेश्चन 51 टू 60 डिस्कस करेंगे लेट्स स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन 51 क्वेश्चन 51 में मैं बोल रहा है 0.5 पॉइंट फाइव मोल ईच ऑफ टू आइडियल गैस ए एंड बी आर टेकन इन ए कंटेनर एंड एक्सपेंडेड रिवर्जिबली एंड एडियाबेटिकली ड्यूरिंग दिस प्रोसेस टेम्परेचर ऑफ गैसेज मिक्सचर डिक्रीज फ्राम थ्री फिफ्टी टू 250 फिफ्टी तो डेल्टा एच इन कैलोरी पर मोल अपने को यहाँ पर पता करना है अब ये वैल्यू सी की दी गई है अपने को जो रिएक्शन में चाहिए वो डेल्टा एच चाहिए तो डेल्टा एच जो हमारे पास इस रिएक्शन का मिलेगा वो हमारे पास फॉर्मूला हो जाएगा एन सी पी एम डेल्टा टी बट यहाँ पे जो सी पी एम है वो एक गैस तो है नहीं तो ये दोनों गैसेस का एवरेज अपन लेंगे एन सी पी एम डेल्टा टी थी। ठीक है अब यहाँ पर एन सी पी एम ये वाला जो फ्रैक्शन है ये भी आपको निकालना है तो इसके लिए आप क्या लिख सकते हैं सी एवरेज के लिए सी पी एम एवरेज सी पी एम एवरेज के लिए आप क्या कर सकते हैं N1 CPM of A ऑफ ए प्लस एन टू सी पी एम ऑफ बी बी अपॉन एन वन प्लस एन टू अब हमारे पास सी पी एम जो होता है वो होता है सी वी एम प्लस आर तो इस तर्ज पे गैस ए के लिए हमारे पास 0.5 पॉइंट फाइव एन टू सी पी एम ऑफ ए यदि अपन देखेंगे तो ये 7 बाई टू आर हो जाएगा सिमिलरली एन टू की बात करें तो 0.5 पॉइंट फाइव टू यहाँ पर ही हो जाएगा 4R आर बाई हमारे पास हो जाएगा 0.5 पॉइंट फाइव प्लस ज़ीरो और यहाँ पर जो N है वो भी हमारे पास टोटल मोल्स ही है ये हमारे पास 0.5 पॉइंट फाइव प्लस ज़ीरो पॉइंट के बराबर हो जाएगा तो इस तरह से अपन यदि एक्सप्रेशन को यहाँ पर पुट कर दें तो ये एक्सप्रेशन हमारे पास आ जाएगा ज़ीरो पॉइंट फाइव इंटू सेवन बाई टू आर प्लस ज़ीरो पॉइंट फाइव इंटू फोर आर अपॉन वन इंटू डेल्टा टी अब डेल्टा टी यदि आपको निकालना है यानी टी टू माइनस टी वन यहाँ पर करना है तो टी टू हमारे पास दिया गया टू फिफ्टी टी वन हमारे पास दिया गया थ्री फिफ्टी तो ये हमारे पास आ गया माइनस हंड्रेड कैलविन ठीक है तो यहाँ पर इस वैल्यू को अपन पुट कर देते हैं इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी थ्री सेवनटी फाइव आर तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट है फिफ्टी टू फिफ्टी टू में हमें क्या बोला गया ए साइक्लिक प्रोसेस ए बी सी डी शोन इन पी वी डायग्राम फॉर एन आइडियल गैस विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम रिप्रेजेंट द सेम प्रोसेस सबसे पहले हमारे पास पी वी डायग्राम में यदि अपन ए से बी जाए तो ए से बी जाने पर हमारे पास प्रेशर क्या है कॉन्सटेंट है यानी ये हमारा आइसोबारिक आइसोबारिक प्रोसेस है और वॉल्यूम क्या हो रहा है इंक्रीज हो रहा है इसलिए एक्सपेंशन हो जाएगा आइसोबारिक एक्सपेंशन सिमिलरली बी टू सी यदि हमारा प्रोसेस अपन देखें तो ये जो है ये हमारे पास हाइपरबोलिक कर्व है यानी पी वी इज्क्ल टू एन आर टी पी वी इज्क्वल टू एन आर टी यदि टेम्परेचर हमारे पास कॉन्स्टेंट है तो ये वैल्यू कॉन्स्टेंट हो जाएगी तब जाके प्रेशर प्रोपोर्शनल होगा वॉल्यूम के इसका मतलब बी टू सी में हमारे पास टेम्परेचर कॉन्स्टेंट है यानी ये आइसोथर्मल 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 है और वो भी वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है यानी एक्सपेंशन से यदि अपन जाते तो हमारे पास वॉल्यूम कॉन्स्टेंट है वॉल्यूम कॉन्स्टेंट यानी आइसो इसी तरह से फिर डी टू एदि अपन जाए तो डी टू ए जाने पर हमारे पास ये वॉल्यूम तो कम हो रहा है कंप्रेशन है बट आइसोथर्मल जिस तरह से बी टू सी है तो ये आइसोथर्मल तो डी टू ए हमारे पास आइसोथर्मल कंप्रेशन अब अपन देखते हैं कि यहाँ पर कौन सा ऑप्शन मैच कर सकता है पहले ए से बी की बात करते हैं तो ए से बी हमारे पास यहाँ पे प्रोसेस कांस्टेंट वॉल्यूम का दिया गया तो अपने को कौन सा चाहिए कांस्टेंट प्रेशर चाहिए तो ये वाला ऑप्शन नहीं हो सकता ए से बी यहाँ पर अपन देखें तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो रहा है वॉल्यूम जो हो रहा है वो डिक्रीज हो रहा है ये हमारे पास कंप्रेशन वर्क कंप्रेशन का है बट यहाँ पर ए से बी हमारा एक्सपेंशन है तो ये भी नहीं हो सकता यहाँ पर आप देखें कि ए से बी हमारे पास एक्सपेंशन भी हो रहा है और ये ओरिजन से पास हो रहा है ओरिजन से पास होने का मतलब है कि वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर के कब होगा जब पी वी इज्कल टू एन आर टी में प्रेशर कॉन्स्टेंट हो प्रेशर कांस्टेंट होने पर वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पोशनल टेम्परेचर होगा तो ए से बी हमारे पास यहाँ पर प्रेशर कांस्टेंट है एज वेल एज एक्सपेंशन भी है तो आइसोबारिक एक्सपेंशन एक्सप्लेन होता है बी से सी हमारे पास टेम्परेचर कॉन्सटेंट है और वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है सी से डी वॉल्यूम कॉन्सटेंट है डी टू ए हमारे पास टेम्परेचर कॉन्सटेंट है और कंप्रेशन हो रहा है तो यहाँ पर बेस्ट सूटेबल जो ग्राफ है वो ऑप्शन सी अपने को दिया हुआ है नेक्स्ट है 53 53 में हमें क्या बोला गया है कि 36 सिक्स हमारे पास वाटर है प्योर वाटर प्योर वाटर की जो डेंसिटी होती है प्योर वाटर की जो डेंसिटी होगी वो होती है 1 ग्राम पर एम एल ग्राम पर एम की वजह से यदि आप 36 सिक्स प्योर वाटर ले रहे हैं इसका मतलब सिंपल सा 36 सिक्स ग्राम वाटर हमारे पास यहाँ पर प्रेजेंट है 36 ग्राम वाटर ले रहे अपन और 100 सेकेंड्स टू एवोपरेट फ्रॉम ए वेजल एंड हीटर कनेक्टेड टू एन इलेक्ट्रिक सोर्स विच डिलीवर्स एट जीरो सिक्स वॉट तो वन वॉट जो होता है वो वन जूल पर सेकेंड होता है यानी एक सेकेंड में हमारे पास एक जूल एनर्जी ये देगा तो यानी एक सेकेंड यदि हमारे पास ये हीटर चालू रहता है तो वो एट जीरो सिक्स जूल एनर्जी देगा बट इसमें अपन कितनी देर तक इसको यूज़ कर रहे हैं हंड्रेड सेकेंड्स तक यूज़ कर रहे हैं तो हमारे पास टोटल एनर्जी टोटल एनर्जी सप्लाइड सप्लाइड टू ईवोपरेट टू ईवोपरेट 36 ग्राम वाटर कितना हो जाएगा एक सेकेंड के लिए 806 जूल था तो 100 सेकेंड्स के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे अपन ठीक अब ये टोटल एनर्जी है 36 ग्राम वाटर के रेस्पेक्ट में तो 1 ग्राम के रेस्पेक्ट में कितना हो जाएगा एट जीरो सिक्स इंटू वन हंड्रेड बाई थर्टी सिक्स ठीक है अब अपने पास यहाँ पर पूछा गया डेल्टा एच वेपराइजेशन डेल्टा एच वेपराइजेशन का मतलब है फोर वन मोल एच टू वन मोल एच टू का मतलब है कि एटीन ग्राम एच टू ठीक है तो वन ग्राम के रेस्पेक्ट में दिया गया तो डेल्टा एच वेपराइजेशन ये हमारे पास होता है फोर वन मोल या एटीन ग्राम एच टू तो यहाँ पर एट जीरो सिक्स इंटू हंड्रेड बाई थर्टी सिक्स तो वन ग्राम के रेस्पेक्ट में था इसको एटीन से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हमारे पास जो वैल्यू आएगी फोर जीरो थ्री जीरो जीरो जूल आ जाएगा यानी हमारे पास फोर्टी पॉइंट थ्री जीरो जूल तो हमारा कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर ठीक है नेक्स्ट है फिफ्टी फोर इसे बोला गया है फोर द रिएक्शन पी सी एल फाइव गैस डिसोसिएट हो रहा है पी सी एल थ्री गैस प्लस सी एल टू गैस तो यहाँ पर डेल्टा एन जी अपन यदि देखें तो टू माइनस वन हमारे पास वन हो जाएगा तो रिएक्शन में डेल्टा एच हमारे पास डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी होता है तो डेल्टा एन जी हमारे पास यहाँ पर यहाँ पर दिया हुआ है डेल्टा यू प्लस वन इन टू आर टी टेम्परेचर यहाँ पर ग्रेटर देन जीरो होगा तो पॉजिटिव ही होने वाला है इसका मतलब इस एक्सप्रेशन से अपन क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि डेल्टा एच की जो वैल्यू होगी वो डेफिनेटली डेल्टा यू से ज़्यादा होगी तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट है फिफ्टी फाइव कंसिडर द रिएक्शन एट थ्री हंड्रेड कैलविन एच टू प्लस सी एल टू टू एच सी एल बना रहा है तो डेल्टा एच नोट ये हमारे पास फोर वन मोल है कि यदि वन मोल एच टू और वन मोल सी एल टू बल्कि टू मोल एच सी एल का फॉर्मेशन करे बट यहाँ पर टू मोल एच टू टू मोल सी एल टू के साथ रिएक्शन करके एच सी एल बना रहा है उसके लिए डेल्टा यू नोट अपने को पूछा गया है तो फोर टू मोल एच टू एंड टू मोल सी एल टू के रेस्पेक्ट में डेल्टा एच नोट जो हो जाएगा वो टू टाइम्स हो जाएगा तो हमारे पास टू इन टू वन एटी फाइव ये हमारे पास आ जाएगा कैलकुलेट होकर थ्री किलो जूल ठीक है अब अपन रिएक्शंस को अप्लाई करते हैं तो डेल्टा एच नोट इजक्वल टू डेल्टा यू नोट प्लस डेल्टा एन जी आर टी होता है और इस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए डेल्टा एन जी यदि अपन निकालें तो इस कोफिशिएंट ऑप्शन टू माइनस वन प्लस वन यानी जीरो डेल्टा एन जी जीरो है तो ये टेंड्स टू जीरो हो जाएगा यानी डेल्टा एच नोट हमारे पास डेल्टा यू यूनोट के बराबर होगा और डेल्टा एच नोट हमारे पास यहाँ पर थ्री किलो जूल है तो डेल्टा यू यूनोट भी थ्री किलो जूल हमारा हो जाएगा तो हमारा कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो सकता है ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर यहाँ पर केवल मैग्नीट्यूड मैंशनड है नेक्स्ट है नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्टी सिक्स विच ऑफ़ द इंडिकेटेड रिलेशनशिप इज़ करेक्ट फॉर द फॉलोइंग एक्जोथर्मिक रिएक्शन कैरिड आउट एट कॉन्स्टेंट प्रेशर एक्जो रिएक्शन का मतलब है डेल्टा एच लेस देन जीरो है और कॉन्स्टेंट प्रेशर पर हमारे पास हीट एक्सचेंज हो रहा है तो प्रेशर हमारे पास यहाँ पर कॉन्स्टेंट दिया गया है ये रिएक्शन जो दी गई है इस रिएक्शन के लिए डेल्टा एन जी हमारे पास वन प्लस वन माइनस वन प्लस थ्री ये वैल्यू हो जाएगी माइनस टू तो अपने पास सबसे पहले डेल्टा एच और डेल्टा यू में रिलेशन देखते हैं तो डेल्टा एच हमारे पास हो जाएगा डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी तो डेल्टा यू माइनस टू आर टी तो अल्टीमेटली डेल्टा एच का जो मैग्नीट्यूड है वो डेल्टा यू से क्या होगा लेसर होगा तो यहाँ पे जो सेकंड स्टेटमेंट दिया गया है ये हमारे पास सही हो सकता है बाकी ऑप्शंस वर्क और हीट का भी देख लेते हैं कॉन्स्टेंट प्रेशर पर हमारे पास हीट एक्सचेंज जो होता है वो क्यू पी होता है और ये किसके बराबर होता है डेल्टा एच एक्जो के एक्जोतरबिक रिएक्शन होने की वजह से डेल्टा एच लेस देन जीरो है यानी क्यू पी हमारे पास क्या होगा लेस देन ज़ीरो होगा ठीक है वर्क की बात करते हैं तो वर्क हमारे पास होता है माइनस पी एक्सटर्नल डी वी या माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी तो माइनस पी डेल्टा वी को आप माइनस डेल्टा एन जी आर टी भी लिख सकते हैं अब डेल्टा एन जी हमारे पास यहाँ पर माइनस टू दिया गया तो ये टू आर टी हो जाएगा यानी वर्क हमारे पास क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा तो यहाँ पर केवल करेक्ट स्टेटमेंट जो दिया गया है वो ऑप्शन बी हमारा हो जाएगा ठीक है नेक्स्ट है फिफ्टी सेवन फिफ्टी सेवन हमें बोला गया व्हेन मोल ऑफ एन आइडियल गैस अंडर गोज़ ए चेंज ऑफ स्टेट हमारे पास यहाँ पर पी वन ये हमारे पास वी वन हो जाएगा ये पी टू और ये V2 टू विद ए चेंज इन इंटरनल एनर्जी द चेंज इन एंथेल्पी ऑफ द प्रोसेस हमारे पास क्या हो रहा है कि 2 ए 3 लीटर से टू ए टी एम सेवन लीटर तक जा रहे हैं तो ये P1 है ये V1 है ये P2 है और ये V2 है डेल्टा U अपने को दिया गया है थर्टी लीटर इन ए टी एम डेल्टा एच हमारे पास यहाँ पर पता करना है तो अपन यहाँ पर जो फॉर्मूला लगा सकते हैं वो क्या लगा सकते हैं कि एच इजक्वल टू यू प्लस पी वी तो इसको डेल्टा एच इजक्ल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी प्लस वी डेल्टा पी या डी पी आप इस तरह से लिख सकते हो बट ये जो प्रोसेस हो रहा है इस प्रोसेस में टू ए टी एम से टू ए टी एम है यानी कॉन्स्टेंट प्रेशर है कॉन्सटेंट प्रेशर पे ये वाला टर्म जो हो जाएगा टेंड्स टू जीरो हो जाएगा बिकॉज कॉन्सटेंट प्रेशर है डेल्टा पी हमारे पास क्या होगा जीरो होगा तो फॉर्मूला आ गया डेल्टा एच इज्कल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी तो डेल्टा एच अपने को निकालना था तो डेल्टा यू हमारे पास थर्टी दिया हुआ है प्रेशर टू ए टी एम है और डेल्टा वी यानी सेवन माइनस थ्री इसको सॉल्व कर लेंगे तो थर्टी एट लीटर ए हमारा आंसर हो जाएगा ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्टी एट वट इज़ द चेंज इन इंटरनल एनर्जी वेन ए गैस कंट्रैक्ट फ्रॉम थ्री सेवनटी सेवन एम एल टू वन सेवनटी सेवन एम एल अंडर ए कॉन्स्टेंट प्रेशर ऑफ वन फाइव टू जीरो टोर वाइल एट द सेम टाइम कूल्ड बाई रिमूविंग वन ट्वेंटी फोर जूल हीट यानी अपन हीट रिमूव कर रहे हैं वो भी किस पे कॉन्स्टेंट प्रेशर पे तो कॉन्स्टेंट प्रेशर पे जो हीट एक्सचेंज होता है वो डेल्टा एच के बराबर होता है और ये रिमूव हो रहा है इसलिए माइनस वन ट्वेंटी फोर जूल हमारा क्यू पी की वैल्यू हो जाएगी ठीक है अब यहाँ पर जो वैल्यू चेंज हो रही है चेंज इन इंटरनल एनर्जी हमें निकालना है डेल्टा यू ठीक है प्रेशर कॉन्स्टेंट है कॉन्स्टेंट प्रेशर पे और इस यहाँ पर जो प्रेशर दिया गया वो वन फाइव टू जीरो टोर दिया गया तो वन ए टी एम जो होता है वो 760 टोर होता है तो अपने पास 1520 टोर को यदि एटीएम में कन्वर्ट करना है तो 1520 फाइव टू जीरो बाई सेवन सिक्सटी यह हमारे पास एटीएम में कन्वर्ट हो जाएगा ठीक है अब क्योंकि यहाँ पर जूल में दिया गया है तो अपने को लेटर एटीएम को भी कन्वर्ट करने का पैरामीटर पता होना चाहिए बट पहले अपन डेल्टा एच अपने पास दिया हुआ है तो डेल्टा एच का फॉर्मूला यहाँ पर यूज़ कर लेंगे तो डेल्टा एच इजल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी जो अपन ने अबो क्वेश्चन से भी डिराइव कर लिया था कॉन्स्टेंट प्रेशर है तो पी डेल्टा वी रहेगा डेल्टा एच की वैल्यू यहाँ पर माइनस वन ट्वेंटी फोर है डेल्टा यू आपको कैलकुलेट करना है प्रेशर हमारे पास ए टी एम में जो आ रहा है वो वन फाइव टू जीरो अपॉन सेवन सिक्सटी है और डेल्टा वी चेंज इन वॉल्यूम की बात करें तो थ्री सेवेंटी सेवन से वन सेवेंटी सेवन की अपन देखें तो यहाँ पर 177 सेवेंटी सेवन माइनस थ्री सेवनटी की बात है तो एम को लीटर में कन्वर्ट करने के लिए टेन टू दर माइनस थ्री से मल्टीप्लाई भी करेंगे बट ये जो पूरा एक्सप्रेशन हमारे पास दिया हुआ है ये पूरा एक्सप्रेशन हमारे पास आएगा किस में लेटर ए में ये लीटर ए में और ये हमारे पास किस में ये हमारे पास जूल में तो दोनों तरफ यूनिट्स को आपको सेम करना पड़ेगा तो दोनों तरफ यूनिट्स को सेम करने के लिए आप क्या करेंगे इस पूरे एक्सप्रेशन को वन ज़ीरो वन पॉइंट थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि वन लीटर ए हमारे पास होता है वन ज़ीरो वन पॉइंट थ्री जूल ठीक है तो ये एक्सप्रेशन हमारे पास आ जाएगा किस में जूल में जब आप ये अब डेल्टा यू कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा माइनस एटी थ्री पॉइंट फोर एट जूल तो कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर ठीक है नेक्स्ट है फिफ्टी नाइन इसे बोला गया फॉर द रियल गैस टू सी ओ गैस प्लस ओ टू गैस फॉर्म टू सी ओ टू डेल्टा एच अपने को दिया गया इन टेन लीटर रिजिड वेजल एट फाइव हंड्रेड कैलविन द इनिशियल प्रेशर इज सेवेंटी बार एंड आफ्टर द रिएक्शन इट बिकम्स फोर्टी बार यानी सिंपल सा है कि वॉल्यूम हमारे पास जो टेन लीटर है यहाँ पर वो कॉन्सटेंट है ठीक है और चेंज इन इंटरनल एनर्जी डेल्टा यो आपको पूछा गया है जबकि डेल्टा एच हमारे पास यहाँ पर दिया गया माइनस फाइव सिक्सटी किलोजूल और प्रेशर जो हो रहा है वो पी वन सेवेंटी बार से पी टू फोर्टी बार है ठीक है तो अपन जो यूज़ करते हैं एच इजक्ल टू यू प्लस पी वी डिफ्रेंशिएशन किया आपने डी एच इजल टू डी यू प्लस पी डी वी प्लस वी डी पी इनका इंटीग्रेशन कर लिया बट इंटीग्रेशन के साथ साथ हमने देखा कि वॉल्यूम हमारे पास यहाँ पर क्या है कॉन्सटेंट है तो डी हमारे पास क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा बिकॉज वॉल्यूम कॉन्स्टेंट है तो डी की वैल्यू क्या हो जाएगी जीरो हो जाएगी तो अब इंटीग्रेशन करने पर डेल्टा एच इजक्ल टू डेल्टा यू प्लस वी डेल्टा पी होगा अब अपन को डेल्टा एच तो दिया गया माइनस फाइव सिक्सटी डेल्टा यू आपको कैलकुलेट करना है वॉल्यूम हमारे पास टेन लीटर है डेल्टा पी की बात करें तो फोर्टी माइनस सेवनटी बट ये जो एक्सप्रेशन है ये अपने को दिया गया है किस में लीटर बार में और वन लीटर बार को अपने को किलोजूल में कन्वर्ट करना है तो वन लीटर बार ये हमारे पास होता है हंड्रेड जूल या जीरो पॉइंट वन किलो जूल तो इसको अपन क्या कर सकते हैं किलोजूल में कन्वर्ट करने के लिए जीरो पॉइंट वन से मल्टीप्लाई कर देते हैं जिससे कि ये एक्सप्रेशन जो पूरा का पूरा है यह हमारे पास किस में आ जाएगा यह हमारे पास आ जाएगा किलो जूल में और यहाँ पर जो डेल्टा यू की वैल्यू होगी यह हमारे पास कैलकुलेट होकर आएगी माइनस फाइव थ्री जीरो किलो जूल तो कौन सा ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर ठीक है नेक्स्ट है सिक्सटी इसे बोला गया वन मोल ऑफ एन नॉन आइडियल गैस अंडरगोज द चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम दीस टू दीस विद ए चेंज इन इंटरनल एनर्जी द चेंज इन एंथेल्पी ऑफ़ द प्रोसेस इन लिटर ए टी एम इज तो यहाँ पर आप गौर से देखें तो P1 हमारे पास वन ए टी एम है V1 हमारे पास थ्री लीटर है T1 हमारे पास टू हंड्रेड कैलविन है ठीक है यहाँ से ये कहाँ जा रहा है P2 हमारे पास फोर ए टी एम है V2 हमारे पास फाइव लीटर है और T2 भी हमारे पास टू फिफ्टी कैलविन है तो तीनों के तीनों पैरामीटर्स यहाँ पर चेंज हो रहे हैं और डेल्टा यू दिया गया तो अपन यहाँ पर फॉर्मूला क्या लगा सकते हैं पहले अपन देखते हैं कि एनथेल पी एच इजक्ल टू यू प्लस पी वी होता है दोनों तरफ अपन ने क्या किया डिफ्रेंशिएशन किया तो डी एच इजक्ल टू डी यू प्लस डी पी वी इंटीग्रेशन कर दे इंटीग्रेशन ऐसा कर देते हैं तो डेल्टा एच इजक्ल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा पी वी डेल्टा पी वी का मतलब सिंपल सा है कि हमारे पास पी टू वी टू माइनस पी वन वी वन डेल्टा यू हमारे पास कितना दिया हुआ है फोर्टी पी टू वी टू की बात करें तो फोर इंटू फाइव माइनस पी वन वी वन हमारे पास वन इंटू थ्री तो ये वैल्यू कैलकुलेट होने पर फोर्टी प्लस सेवनटीन आ जाएगा फिफ्टी सेवन जो कि लेटर ए टी एम में होगा तो कौन सा ऑप्शन हमारे पास यहाँ पर करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर